मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा है और मैं एक्टिव पेरेंट्स लीडर थी इधर इस्लामाबाद में, और मैंने 21 सितंबर को प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया जो कि प्राइवेट स्कूल माफिया के अगेंस्ट था, जिसमें हमने ये पॉइंट रेज किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए जा रहे। प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीसें 35% से 40% तक बढ़ा दी और उस पर कोई रोक टोक नहीं हुआ। रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ डेड। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को जो है रद्दी में फेंक दिया गया है। गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है। उसके ही सज़ा के तौर पे मेरे ऊपर जुर्म ये आयद किया गया कि मैंने अपनी आवाज़ क्यों उठाई, मेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं और मैं चाहूं कि कानून की पासदारी की जाए। उसके लिए मेरे बच्चों को 23 सितंबर को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देकर दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया, और हद ये हुई कि रूट्स मिलेनियम स्कूल वालों ने मुझे सुनना गवारा तक नहीं किया, मुझे गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया, और रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के ऊपर उनको एक स्टे ऑर्डर मिल गया। क्या मैं इस सज़ा की हकदार हूँ? क्या हमें अपनी आवाज़ बंद कर देनी चाहिए? क्या हमें अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें खामोशी से हर जुल्म सह लेना चाहिए? हमें नाइंसाफ़ी के लिए बोलना नहीं चाहिए? क्या हर दफ़ा हम चुप करके डर के कोने पे बैठ जाएंगे?